पुत्र तुम आ गए पुत्र, बहुत अच्छा किया पुत्र। माँ का पुत्र तो मैं हूँ, फिर ये कौन है? पुत्र, तुम उचित समय पर आए। तुम्हारे अनुज का उपहास किया देवराज इंद्र ने, उन्होंने सबके समक्ष कहा कि वो देवत्व योग्य नहीं। मैं तो मात्र इतना चाहती थी उसकी सुरक्षा बनी रहे, किंतु मेरा साथ नहीं दिया किसी, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। माता के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बही जा रही है, इतने दुखी हैं वो, जो वो कह रही हैं मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, और पिताश्री भी कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि आप मेरा समर्थन करते स्वामी, तो देवराज इंद्र इतना कुछ कहने का कभी दुस्साहस नहीं करते। गजानन को लेकर तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूँ, उसी का समर्थन किया मैंने। गजानन को उसके जन्म के कारण देवत्व नहीं प्रदान किया जा सकता, उसे देवता पद इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो हमारा पुत्र है। उमा, योग्यता तो दीपक के ज्योति के समान अपने प्रकाश से गहन अंधकार को भी भेद देती है, अपना मार्ग स्वयं प्रतिष्ठित करती है। अपने कर्म और योग्यता से ही गजानन को संसार में अपना स्थान बनाना होगा, यही उचित है। उचित है सोम, सर्वथा उचित। मुझे भी गजानन के लिए देवताओं से भिक्षा नहीं चाहिए। गजानन? हाँ पुत्र, मैंने देवताओं की चुनौती स्वीकार कर ली। तुम्हारा अनुज गजानन अपनी योग्यता, अपने कर्म के आधार पर ही देवत्व प्राप्त करेगा, जन्म के आधार पर नहीं। मैं बनाऊंगी उसे देव। मेरा अनुज गजानन? देखो तो, मैं तो तुम दोनों की भेंट करवाना ही भूल गई। पुत्र गजानन, ये है कार्तिके, तुम्हारे बड़े भ्राता। और पुत्र कार्तिके, ये है तुम्हारे अनुज गजानन। ये है मेरा अनुज। आप मुझसे बड़े हैं ना, मेरे बड़े भैया हैं ना आप? हाँ भैया। ये मेरी ओर क्यों दौड़ रहा है? भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। भैया, आप तो मेरा भार भी नहीं संभाल सके। अच्छा कोई बात नहीं भैया, गोदी में नहीं उठा सके किंतु पृष्ठ पर तो उठा सकेंगे ना? अरे ये क्या कर रहे हो? पुत्र गजानन, जब हम स्वयं अपने पांवों पर चल सकते हैं, उन पर अपना भार उठा सकते हैं, तो अग्रज द्वारा उठाए जाने की क्या आवश्यकता है? हाँ पुत्र, तुमने तो मिलते ही अपने अग्रज पर अपना भार डाल दिया। सर्वप्रथम अभिवादन तो करो, प्रणाम करो उन्हें। प्रणाम बड़े भैया। लड्डू पूरी थाल भर कर। भैया बोलो, आपको आपत्ति ना हो तो आपके पीछे रखे उस थाल से कुछ लड्डू मेरी ओर बढ़ा दीजिए ना। और हाँ, आपको भी खाने का मन हो तो आप भी खाइए। गजानन, तुम्हें तो ज्ञात है ना, तुम अभी लड्डू नहीं खा सकते। खाने दीजिए ना माँ, उसे भूख लगी होगी। क्या हुआ माता, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? माता, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं हूँ। माता का ध्यान तो गजानन पर ही केंद्रित है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया उन्होंने, और इसने वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। पुत्र कार्तिके, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं।
उस समय में तुम अपने अनुज गजानन का ध्यान रखना। प्रतीत होता है माता को तो मेरी तनिक भी चिंता नहीं। मैं इतने समय पश्चात लौट कर आया हूँ, किंतु न उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, न ही मुझसे कुछ बातें की। पुत्र, मुझे ज्ञात है अपने अनुज गजानन को लेकर तुम्हारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। हाँ पिताश्री, मेरे जन्म और मेरे द्वारा ताड़कासुर के वध के पश्चात मेरे दक्षिण जाने के समय आपने माता को एक और संतान देने का वचन दिया था, किंतु ये गजमुख गजानन मेरा अनुज कैसे हो सकता है? तुम्हारे अनुज के जन्म और गजमुख प्राप्त करने के पीछे भी एक कथा है। मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दें जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। आज जो कुछ भी कैलाश पे हुआ वो उचित नहीं था। जो उचित था उसे उचित कहा, और जो अनुचित था उसे अस्वीकार किया। देवत्व प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, और ना ही देवता बन देवता के दायित्वों का निर्वाह करना। बिना अपनी योग्यता प्रमाणित किए किसी को भी देवत्व प्रदान किया जाना सर्वथा अनुचित। इसीलिए देवता पत्नी महिमा को स्थापित रखने के लिए उचित का साथ दिया। जो हुआ वो उचित था या अनुचित ये तो समय ही बताएगा, किंतु जो आपको करना था आप कर चुके स्वामी। फिर पुनः सभा बैठा कर सभी सभासद देवताओं से अपनी ही प्रशंसा को सुनने की आपकी इच्छा कहाँ तक उचित है स्वामी? देवराज इंद्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था, अन्यथा भविष्य में कोई भी देवता पत्नी मांग कर सकता है। क्या मैं उचित कह रहा हूँ? आपने जो भी किया वो सर्वथा उचित था देवराज। हाँ इंद्रदेव, आपने जो किया उचित किया, सही का साथ दिया आपने, और हम सब आपसे सहमत हैं। जगत जननी को निराश करना कैसे उचित हो सकता है? देवताओं के साथ सृष्टि के सभी जीवों की सुरक्षा के लिए जिन्हें अपनी कोख से संतान को जन्म देने का अधिकार खोना पड़ा, आज उनके पुत्र की सुरक्षा की बात आई तो आपने उनका प्रस्ताव नकार दिया। आपके इस कृत्य के लिए मैं माँ से क्षमा मांगूंगी स्वामी। भरपेट खाऊंगी मैं स्वादिष्ट भोजन। उस बालक ने अब तक तो सिंदूरा का वध कर ही दिया होगा, अब मैं बन चुकी हूँ पाताल लोक की रानी। सिंदूरा? बढ़िया, किस बात का इतना आनंद मनाया जा रहा है? तुम्हें क्या लगा कि मेरी मृत्यु हो गई? नहीं नहीं असुर सम्राट, अब तो महान है, सर्वशक्तिमान है। आपकी मृत्यु उस तुच्छ बालक के हाथों, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे तो लगा कि आप उस बालक का वध करके आते ही होंगे, इसी विचार से मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया। तो इसीलिए तुम मेरे सिंहासन पे बैठी थी। अब शब्द नहीं है तुम्हारे पास, बहुत बुन चुकी तुम अपने जान, अब नहीं। कालकूट हलाहल विष, यही उचित उपाय है उस बालक के अंत का। मैं आपको उस विष तक पहुंचा सकती हूँ सम्राट, मुझ पर वार मत करना। मेरे पीछे मेरी परछाई बनकर कौन आ रहा है? यहां तो कोई नहीं है।
तो जो भी था उसने कक्ष में प्रवेश कर लिया है, अब तो उसका सामना करना ही होगा। माँ, मेरा मन बहुत अशांत है। माँ, आज जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था। मेरे स्वामी से जो भी भूल हुई उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिएगा। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। कैसा अनिष्टकारी संकेत दिया है माता ने। उनका त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया, जिसने माता के इस मंदिर को भी कंपित कर दिया। मानो जैसे देवलोक के भाग्य का प्रकाश ही मिट गया। दया कीजिए माँ अपनी संतानों पर, दया कीजिए। अतः तो अत्यंत कुपित प्रतीत होते, उनके कोप के प्रकोप के कारण कहीं अनर्थ ना हो जाए। कोई नहीं, किंतु फिर मुझे ऐसा स्पष्ट आभास क्यों हुआ जैसे जैसे कोई मेरे पीछे हो। भैया, किसे ढूंढ रहे हैं? बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, किंतु कोई दिखाई नहीं देता। मैं तो यहाँ हूँ आपके समक्ष। फिर बताइए ना, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा दंड बालकों की क्रीड़ा के लिए नहीं है गजानन, इससे तुम्हें हानि हो सकती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आपकी नासिका को देख रहा था भैया, बहुत छोटी है ना? मेरी नासिका से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं। आप मेरी नासिका को देखिए, इतनी लंबी, इतनी सुंदर है। दो। अरे, आप तो बुरा मान गए। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया, ये तो अपना भाग्य है। मेरी नासिका सौभाग्य है मेरा। मैं ईर्ष्या क्यों करूंगा, वो भी अपने अनुज से। और ईर्ष्या करने वाली कोई बात हो तब तो ईर्ष्या करूंगा ना। मैं अपनी नासिका से प्रसन्न हूं गजानन। कहना ही होगा ना कि आप प्रसन्न हैं। दूसरी नासिका तो प्राप्त नहीं कर सकते ना, और नासिका भी छोटी है। कोई बात नहीं, किंतु आपका शरीर कितने दुर्बल है आप, प्रतीत होता है ठीक से खाते भी नहीं आप, वो किस कारण? आपका मुख भी छोटा है, क्या इसलिए? योद्धा हूँ मैं, और योद्धाओं का शरीर ऐसा ही होता है गजानन। अब क्या हुआ, ऐसे अपना सर क्यों हिला रहे हो? कुछ नहीं, होगा क्या भैया, भाग्य है सबका। अब मुझे देखिए, माँ मुझे प्रतिदिन अपने हाथों से स्वादिष्ट फल खिलाती है, दुग्ध पिलाती है, तभी तो मैं और आप इस सुख से वंचित जो है। सत्य तो ये है कि माँ मुझसे बहुत बहुत स्नेह करती है। माँ तो मुझसे भी बहुत स्नेह करती है गजानन। हो सकता है, किंतु मैं छोटा हूँ ना, कदाचित इसलिए पिताश्री, नाना जी, नानी जी सर्वाधिक प्रेम तो मुझसे ही करते हैं, और मैं आपका अनुज हूँ, इसलिए आप भी तो मुझसे अधिक स्नेह करते हैं, है ना भैया? हाँ गजानन, तुम तो अनुज हो मेरे। तो भैया, मैं आपके वाहन मयूर से भेंट कर सकता हूँ? बहुत चतुर हो तुम। कितने सुंदर, कितने भव्य है ना वो? हाँ हाँ, अवश्य। असुर सम्राट, आप मुझ पर व्यर्थ संदेह कर रहे हैं। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। आपके लिए मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा है जिसे काटने का उपाय त्रिदेवों के पास भी नहीं है।
क्यों बढ़िया, तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कोई नवीन कुचक्र तो नहीं बना रही हो? तुम्हें ज्ञात भी है किस कालकूट हलाहल विष की बात कर रही हो तुम? त्रिदेव भी जिसे नहीं काट सके वो है हलाहल विष। वो तुम्हें कहां से प्राप्त होगा? चक्र नहीं असुर सम्राट, असुर सम्राट, चक्र नहीं, चक्र नहीं। ऐसा उपाय है मेरे पास जिसका वार कोई नहीं तोड़ सकता, जिसके पास ये अत्यंत प्रचंड विनाशकारी विष है। याद है मुझे उसका नाम, और वो है राक्षसी जिम्भा। जहाँ एक ओर देवराज इंद्र के साथ अन्य देवता थे, वहीं दूसरी ओर असुर सम्राट चक्रवर्ती बलि के साथ थे समस्त असुर। और तब मंथन के समय सागर से निकला कालकुट हलाहल विष। कालकुट विष के कारण संपूर्ण जगत विनाश का संकट छा गया। यहाँ तक कि देवताओं की दिव्य शक्तियाँ भी उस विष से उन्हें सुरक्षित रखने में असमर्थ थी। देवता और असुर दोनों ही ये समझ गए थे कि यदि अब उनकी कोई रक्षा कर सकता है तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव तो देवता और असुरों की सहायता के लिए प्रस्तुत हुए, किंतु देवी पार्वती को इससे आपत्ति थी। स्वामी, पार्वती, मुझे जाना ही होगा, अन्यथा यह हलाहल विष विनाश का सागर बन संपूर्ण सृष्टि को लील जाएगा। नहीं स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डालना ये मुझे स्वीकार नहीं। जब तुम मेरा कवच बनकर मुझे सुरक्षित कर रही हो तो भला मुझ पर क्या संकट आ सकता है? मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण तुम ये भूल रही हो कि मेरा अनिष्ट असंभव है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सुरक्षा है उमा। सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप तुम्हारा आचरण मेरा जीवन कवच है। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर तुम मेरी दीर्घायु सुरक्षित करती हो। सुहागन का गौरव अर्थात नख छिद्र में बाली धारण करती हो गौरी। मंगल सूत्र और उसके काले मोती अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर मेरी समृद्धि का कारण बनती हो। पांव की पायल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। बिछियां धारण कर वंश वृद्धि में मेरी सहभागिनी बनी हो। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो उसका कोई अमंगल कैसे संभव है? जब तुम्हारी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हालाहाल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है? पार्वती, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दो प्रिय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मा। और फिर महादेव ने उस कालकुट हलाहल विष का पान किया। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर देवी पार्वती ने महादेव की ग्रीवा पे अपना हाथ रखकर विष को वहीं रोक दिया। स्वामी, संपूर्ण सृष्टि तो आपके भीतर ही समाई हुई, इसीलिए इस विष को अपने शरीर में और आगे मत जाने दीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
शिव गाथा मत सुनाओ मुझे, उपाय बताओ उस बालक के वध का। लाहल एक ऐसा विष है जिसमें महादेव भी अपने शरीर के भीतर नहीं ले सकते। सागर में शेष कालकुट हलाहल विष की एक बूंद सागर की गहराई में निवास कर रही एक राक्षसी के पास आ गया और वही कालकुट हलाहल विष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई और वो राक्षसी है जिम्भा। विष स्वयं महादेव ग्रहण नहीं कर पाए उससे उनके पुत्र का क्या होगा। राता गजान, ये मयूर मेरा दिव्य वाहन है, मुझे इन पर अटल विश्वास है, इसीलिए ये मेरे प्रिय मित्र भी हैं। अच्छा, तो इन पर आरूढ़ होने में भी बहुत आनंद आता होगा ना? फिर तो इनमें आरूढ़ होकर देखता हूँ। अरे अरे गजानन, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, इसी क्षण। नहीं उतरूंगा। अरे संकट में पड़ जाओगे गजानन, मेरा वाहन तुमसे परिचित नहीं है, नीचे उतर जाओ, आ जाओ, आओ। मैं नहीं उतरूंगा भैया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मयूर जी, उड़ान भरिए ना। अत्यंत तीव्र वेग है मेरे वाहन का, उसकी गति तुम नहीं संभाल सकोगे गजानन। कुछ नहीं होगा भैया। रुक जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। रुक जाओ गजानन। आहा, इन पे आरूढ़ होकर मैं पूरे आकाश का भ्रमण करूंगा, बहुत आनंद आएगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भैया। किंतु ये ऊंचाई क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे ये तो अपना संतुलन खो रहे हैं। भैया उचित कह रहे थे, मुझे इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अरे अरे, तो ये और ऊपर क्यों उड़े जा रहे हैं? रुको गजानन। इनका वेग अत्यंत तीव्र है, उसे कैसे नियंत्रित करूं? ढील दो गजानन, ढील दो। गजानन! वो राक्षसी है जिम्भा। जिम्भा कल्पना कीजिए, सोचिए असुर सम्राट, सोचिए, यदि उस कालकुट हलाहल विष की एक बूंद उस बालक के उदर में पहुंच गई तो। जिम्भा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे संभालूं इन्हें और कैसे नीचे उतारूं? भैया जो कह रहे हैं वो भी मैं उचित प्रकार से सुन नहीं पा रहा। गजानन रुको गजानन, मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम, डोर को खींचो मत, हील दो। प्रतीत होता है गजानन मुझे सुन नहीं पा रहा है, किंतु कहीं उसके प्राण संकट में न पड़ जाएं। अरे सामने तो घाटी है। अरे मेरा वाहन तो गजानन के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा है, कैसे रोकूं उसे? पाताल का अधिपति असुर सम्राट सिंदूरा आदेश देता है,
जहां भी है जिम्बा, इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जहां भी है जिम्बा, इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। जल में ये कैसी हलचल है? कौन है जो मेरी शांति भंग करने का दुस्साहस कर अपनी ही मृत्यु को ललकार रहा है? जहाँ भी है जिम्बा, इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। शूर सम्राट सिंदूरा, सर्वघाती है उसका विष। वो जहाँ जाती है वहाँ की वायु भी विषाक्त हो जाती है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या असुर सम्राट, जो उसे यहाँ बुलाकर इतना बड़ा संकट मोल ले लिया आपने? शांत हो जाओ बुढ़िया, मेरा अंत नहीं कर सकता उसका विष। मेरे आदेश का पालन करने के लिए उसे यहाँ आना ही होगा। कदाचित सत्य कहा था बुढ़िया सिंगिका ने, भयंकर है ये जिम्बा। ऐसा मारक प्रभाव होगा जिम्बा के विष का, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। मैंने आपको चेतावनी दी थी किंतु आपने नहीं सुनी। अब आप देख रहे हैं ना विष का प्रभाव। मेरी श्वास को ये क्या हो रहा है? जैसे किसी भयंकर शीत का प्रभाव हो, और ये शीत उत्पन्न हो रही है क्योंकि जिम्बा यहाँ आ रही है। अब सर्वनाश होगा। देखिए, मूर्ता थी मेरी जो इस महामूर्ख को जिम्बा को बुलाने का सुझाव दे दिया। अब कहीं मुझे अपने प्राण न गंवाने पड़ जाए। ये विषाक्त घूम रही उंगलियां तो मेरी ओर ही बढ़ रही है। बिना पूर्ण रूप से यहाँ पहुंचे ही इतना भीषण प्रभाव है राक्षसी जिम्बा का, आश्चर्य है। मेरी श्वास क्यों बाधित हो रही है? जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार। मेरी शांति भंग करके मुझे यहाँ बुलाने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? इसका तो संपूर्ण शरीर ही विषाक्त धूम्र के समान है। इसका विष तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है, किंतु मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? उस बालक के सिवाय कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। इस बुलावे में मत रहना,
कि तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारा वध करने आई हूँ। शुंबा करे प्रहार तो होता है संहार। इससे आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे। आगे बढ़ने से रोकना होगा इन्हें, अन्यथा ये घाटी के ऊपर पहुंच रहे हैं। इन मयूर जी पर तो मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं बन रहा है, किंतु मैं बहुत ऊंचाई पर नहीं हूँ। अभी कूद जाऊँ तो संभव है सुरक्षित रहूंगा। अरे मयूर जी तो और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे, अब मैं क्या करूं? इसके बाद तो घाटी है, फिर तो उतरना असंभव हो जाएगा। गजानन रुको गजानन! मयूर धीमे हो जाओ, नीचे उतरो। मैं जो कह रहा हूँ उसके विपरीत कर रहे हो तुम। डोर को खींचो मत। गजानन भैया, टक रही है। जिम्बा करे प्रहार तो होता है संहार, किंतु अब तक तो मैंने तुम पर अपने विष का वार किया ही नहीं। दुष्टा जिम्रा, वश में तो मैं करूंगा तुम्हें। विष में अवश्य हो तुम, किंतु मेरी अपार शक्तियों से परिचित नहीं हो। क्या हुआ? किसने तो स्वयं को सुरक्षित कर लिया। नहीं
गिरा तो मैं भी हूँ, मैंने ही गजानन की रक्षा भी की है, किंतु माँ मुझसे नहीं उसी से पूछ रही है कि वो कुशल है कि नहीं। माँ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, भैया के कारण ही हुआ जो हुआ। मैं तो उनके वाहन मयूर जी से भेंट कर उन पर आरूढ़ होकर थोड़ा सा भ्रमण करना चाहता था, किंतु भैया ना चाहते ही नहीं थे कि मैं उनके मयूर जी पर चढ़ूं, तो बस उनके वाहन ने गिरा दिया मुझे। इतना ही नहीं माँ, भैया तो मेरी डांट भी लगा रहे थे। भैया सदा मेरी डांट लगाते रहते हैं। इतनी सहजता से मिथ्या वचन बोल रहा है, मैं माँ को अभी सब बताता हूँ। नहीं माँ, दोष मेरा नहीं गजानन का था। वो आया था मेरे वाहन से भेंट करने, तो उस पर आरूढ़ क्यों हुआ? वो मेरा वाहन है, मेरे भार और मेरे संकेतों से परिचित है। मैंने तो गजानन को सावधान भी किया था, किंतु उसने मेरा कहा अनसुना कर दिया। फिर वो गिरा तो मैंने उसे अपने ऊपर गिरने दिया, जिससे उसे कुछ ना हो। पुत्र कार्तिकेय, गजानन तो अभी बालक है और अनुभव तो ना के समान, इसीलिए उसको समझाने का, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। गजानन, 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 यहाँ तो जैसे एक ही नाम गूंज रहा है। गजानन ये, गजानन वो। मैं समझ गया माता, आप सभी को मात्र उसी की चिंता है। पिताश्री, मैं आपका प्रथम पुत्र हूं ना, मेरा जन्म गजानन से पूर्व हुआ था, फिर भी आज आप सभी को मुझसे भी अधिक प्रिय गजानन क्यों हो गया? आप सभी को मात्र उसी की चिंता क्यों है पिताश्री? पुत्र, तुम्हें कदाचित ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु सत्य तो यह है, मात पिता अपना संपूर्ण स्नेह अपनी सभी संतानों पर न्यौछावर करते हैं। उनके लिए उनकी सभी संतान एक समान ही होते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, चलो भोजन तैयार। हाँ हाँ, जाओ गजानन, माता के हाथों से भोजन प्राप्त करो। कार्तिकेय, मैंने तुमसे भोजन करने के चलने के लिए कहा, चलो। अरे माँ मुझे नहीं खिलाएंगी, भैया को खिलाएंगी भोजन, भूख तो मुझे लगी है। अब जाओ कैलाश, करो अपना प्रहार और उस बालक का संहार, यह है मेरा आदेश, उसका पालन करो। तुम्हारा आदेश? हाँ, चिम्बा किसी के आदेश का पालन नहीं करती, चिम्बा वही करती है जो उसकी इच्छा होती है। मैं किसी का वध करूं और वो भी तुम्हारे लिए? कदापि नहीं।
असुर सम्राट हूँ मैं, पाताल का अधिपति हूँ। सभी असुरों द्वारा मेरे आदेश का पालन करना अनिवार्य है। मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। तुम्हारा स्वामी हूँ मैं। आप मेरे स्वामी हैं असुर सम्राट। चिंता करेगी प्रहार और आपके आदेश पर किसी का भी करेगी संगार। तो फिर मेरे आदेश का अविलंब पालन करो। जाओ कैलाश, वध करो उस गजमुख बालक गजानन का। चिंता भी यही है, कहीं से मुझे देख लिया तो उन्हें अपना विष प्रहार करेगी। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। मैं अभी कैलाश जाकर उस गजमुखानन का वध कर दूंगी। दुष्ट बालक, अब जिम्बा करेगी तुम्हारा भक्षण और कोई रक्षा नहीं कर सकेगा तुम्हारी। मेरा भयंकर रूप देखकर तो ये बालक भयभीत होकर भाग जाएगा। गजमुख बालक तुम्हारे अपने ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.